और वन एंड ओनली फैसल भाई। भाई भाई क्या हाल है? बिग 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 मेरा बिग 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 यो व्हाट्सअप। तो कैसे हो यूट्यूब की फैमिली? तो न्यू ब्लॉग के साथ तुम्हारा भाई यो बॉय सर के आ चुका है। सो गाइस, ब्लॉग बनाने का रीज़न यही है कि तुम्हारे भाई की जर्नी स्टार्ट हो गई है। हम जाने वाले हैं दिल्ली और अभी हम बांसवाड़ा के बस स्टैंड पर खड़े हैं और वहाँ से हम निकलेंगे रतलाम के लिए। रतलाम से हमारी ट्रेन है 8:40। सो पूरी जर्नी दिखाएंगे और साथ में वन एंड ओनली फैसल भाई। फैसल भाई क्या बोलते हैं, कहाँ चलने का प्लान है? और ये टिकट हो चुका है सिंगापुर जाना। सो ये रतलाम का टिकट हो चुका है। अब यहाँ से बस में बैठ के हमको जाना पड़ेगा रतलाम स्टेशन। फिर वहाँ से जाने के बाद ट्रेन है और पूरी जर्नी इसको ब्लॉग में बताऊँगा। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को स्किप मत करना, बहुत अच्छा ब्लॉग होने वाला है। सो चलते हैं, लेट्स डू इट। हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इनाम मिलेंगे, रुपए पैसा मिलेगा, इज्जत होगी तुम्हारी और लोग डरेंगे तुमसे। सो गाइस, बहुत हार्ड वाला सीन हो चुका है क्योंकि हमें ना बस में आने वाले थे लेकिन बस काफ़ी लेट हो चुकी थी क्योंकि हमारे टिकट के हिसाब से। तो हम बाइक पर आए हैं और बाइक तुम्हारी भाई की देखो, वो सामने फिजब भाई एटीएम से पेमेंट निकाल रहे हैं और तुम्हारा भाई बाइक पर आया है। और वो भी कितनी बजे निकला था मैं वहाँ से? शायद 1.5 या 2 घंटे में मैं रतलाम आ चुका हूँ। अब यहाँ से हम जा रहे हैं स्टेशन और स्टेशन पर बाइक को पार्क करेंगे और उसके बाद फिर ट्रेन का वेट करेंगे। कितनी बजे का क्या सीन है? और फैसल भाई की हालत डाउन हो चुकी है। फैसल भाई पेमेंट बता रहे हो? फैसल भाई पैसा ही पैसा। रतलाम के स्टेशन पे अपनी बाइक को पार्क कर दिया है और शायद मैं 16 को वापस मेरा आना होगा तो मैं यहाँ से बाइक को वापस पिकअप करूँगा। सो तुम्हारा भाई थक चुका है बाइक ड्राइव करते हुए और रतलाम स्टेशन फाइनली आ चुका हूँ। और ये है स्टेशन रतलाम का। सो फैसल भाई टिकट का कुछ करवा रहे हैं। फैसल भाई बस भाई पार्किंग पार्किंग। सो ये है बाइक की पर्ची, 10 रुपये चार्ज है। वन एंड ओनली फैसल भाई। भाई भाई क्या हाल है? बिग 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 मेरा बिग 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 मैं बिग बोल चुका हूँ। तो जल्दबाजी में मैं मेरा बैग वहीं भूल चुका हूँ, अच्छा हो याद आ गया, नहीं तो अरे बैग यहीं भूल गया था। सो बैग भी यहीं रह गया था। गाइस फैसल भाई क्या बोलते हैं? और यहाँ से अब लग रही है मुझे भूख। वो सोचा है कि यहाँ कुछ मिल जाए खाने के लिए, नॉन वेज वेज जो भी मिलेगा एक्स वाई जेड खाएंगे। सो ये मार्केट है नाइट सीन रतलाम का। नहीं है तो फैसल भाई होटल सिंह पंजाब जो रतलाम के रेलवे स्टेशन पे है और यहाँ का आप क्राउड देख सकते हो। पैक करवा लो जो भी है। ये है मेन्यू कार्ड। सो 360 का बिल बना है, ये रोटी आ चुकी है और अंकल पैक कर रहे हैं। फैसल भाई क्या बोलते हैं? नींद आ रही है, भूख लग रही है। फैसल भाई ट्रेन का टिकट। सो गाइस टाइम हो रहा है अभी 8:25 और हमको निकलना 8:40 पे। ये हमारा खाना पैक हो रहा है। सो फैसल भाई ने खाना पैक करवा दिया है और ये चल रहे हैं और हम लेट भी हो रहे हैं, फटाफट हमको भागना पड़ेगा। सो जा रहे हैं हम हमारे स्टेशन पे। हमारी बॉडी की और बैटरी सब डाउन हो चुकी है। सो रतलाम की पब्लिक को बहुत सारा प्यार। ये बैठे हैं हमारे कुली साहब, कुली भाई, कूली नंबर वन। ऊपर से जाना पड़ेगा। सो चलते हैं ऊपर। ये बंद है ये तो।
गाइस लिफ्ट तो ये बंद है यार, थक चुके हैं हम तो यार जोरदार। हाँ नींद तो आएगी, बाइक ड्राइव हुआ है और सो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आ चुके हैं और बिल्कुल हार्ड वाला सीन हो गया है। देखते हैं कहाँ पर। सो फैसल भाई क्या बोलता है? सही टाइम पे आए, सही टाइम पे पहुंच चुके हैं। आज तक फैसल भाई इतना कभी चले नहीं होंगे जितना आज चल चुके हैं, बहुत ज़्यादा चल गया होंगे। सो गाइस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आ चुके हैं। आई थिंक यही वाली ट्रेन है और ये भाईजान लटके हुए हैं धीरे से। बूट नहीं पड़ा तो हमारी ट्रेन। फैसल भाई फाइनली ट्रेन आ चुकी है और हम भी टाइम पे आ चुके हैं। खाना ले लिया हमने कंप्लीट और हमने रात के डिनर का भी इंतजाम कर चुके हैं पब्लिक। और यहाँ मिल रहा है पोहा समोसा कचौरी। S1 अपने को जाना S9 पे। S1 आ चुका है लेकिन हमको जाना S9 पे। चलते रहो, चलने का नाम तो गाड़ी है। और थक चुके हैं, थक बिल्कुल, बहुत हार्ड वाला सीन हो गया। क्या बाटी यही है। सो फाइनली हमको हमारी जगह हमारा डब्बा मिल चुका है और नंबर देखते हैं कौन सा है। कहाँ पर है? सो गाइस ये हमारी सीट मिल चुकी है और बहुत थक गया। लो ये गूगल्स रतलाम से दिल्ली। लो वापस। तो गाइस आगे की जर्नी आपको स्टेशन पे पहुंचने के बाद ही बताएंगे। पानी की बोतल। सो पानी की बोतल लेने के लिए मैं यहाँ से उतरा हूँ। पानी की बोतल ले लेता हूँ मैं। हाँ 30 रुपये का दो है। दो के दो, दो बोतल जो भी लो दो लो। व्हाट्सअप नहीं है भाई, वीडियो बन रहा है। ₹70, ₹50, ₹20। ट्रेन जाने टाइम हो गया तुम्हारा भाई। कसम भाई लो डिनर करने का टाइम हो गया है। फैसल भाई कह रहे कि डिनर कर ही लेते हैं फाइनली। तो लोकेशन बैठने की जगह का थोड़ा सा दिक्कत है लेकिन कोई बात नहीं। दोनों ये भी एक अलग सफर है और अलग ही बात होती है। और यो चाय पिएगा? चाय पिए यो गाइस व्हाट्सअप। तो फाइनली लोकेशन पे आ चुके हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। सुबह का व्यू आपको बताते हैं क्या सीन हो रहा है। टाइम हो रहा है 5:50 हो रहा है। और ठंड तो बहुत हार्ड वाली है और फैसल भाई पूरा पैक हो गए खड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी है। सो चलते हैं अब यहाँ से। हमको लेना है मेट्रो और मेट्रो से जाना है लोकेशन पे। और सुबह की ठंड और फ्रेश भी होना है जाके तो अभी आराम करेंगे फिर फ्रेश होके आपको पूरा व्यू बताएंगे कहाँ जाने का है। और चलते हैं और देख लो यहाँ के हालात। सुबह का मॉर्निंग व्यू देख सकते हो। सो चलते हैं अब फिर आपको आगे का व्यू बता रहा हूँ ठीक है ना गाइस। सुबह का मॉर्निंग व्यू। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मार्केट देखो दिल्ली का ऐसा लग रहा है कि अभी शाम के 6 बज रहे हो। हम लोग वहाँ सामने जाना ना। तो ये सुबह का व्यू देख सकते हो और यहाँ से हमको जाना है मेट्रो और यहाँ से मेट्रो लेने के बाद जाएंगे हम जामा मस्जिद और वहीं पर होटल हमने बुक किया हुआ है और सीधे उस होटल पे जाके रेस्ट करेंगे। क्या बोलते ब्रो? सो पीछे फैसल भाई सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो वगैरह बना रहे हैं। मैंने कहा चलो क्या सीन होने वाला है, क्या वीडियो बना रहे हो, क्या सीन है?
मेट्रो में जाना है, चलते चलते। सो थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर जाते हैं नीचे क्या सीन है, फिर उसको लोकेशन पे जाएंगे। चलते हुए फैसल भाई। हाँ हाँ, ये लिफ्ट थोड़ी चलती हुई मिली, लेकिन सारी लिफ्ट लॉक। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक। सो अभी क्या है कि मेरा फेस भी थोड़ा सही नहीं दिख रहा है, लेकिन इसलिए मैं वीडियो में नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैं नींद में हूँ और फ्रेश होने के बाद ही आऊँगा। लेकिन अभी ये है दिल्ली का मेट्रो स्टेशन। सो फैसल भाई, सुबह का व्यू क्या बोलता है? बहुत बढ़िया व्यू, ऐसा लग रहा है कि एयरपोर्ट पे आ गए ना। ये मेट्रो स्टेशन। फैसल भाई कहाँ जाना है? जामा मस्जिद जाना है। इधर से आएगा रूट या उधर से आएगा? यो किधर? मेट्रो स्टेशन राइट नाउ। अब निकलेंगे हम जामा मस्जिद, वहाँ जाएंगे होटल में, वहाँ जाके रेस्ट करेंगे, फ्रेश होंगे, फिर निकलेंगे और सारी दिल्ली आपको घुमाएंगे। सब पीस आउट। ये है मेट्रो का सीन। और मेट्रो में फैसल भाई ऐसे बैठे हैं, क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मामला टाइट है। सुबह के बज रहे हैं 6:48 और अभी फिलहाल मेट्रो में है। अब लोकेशन क्या बोलते हैं? सो फाइनली मेट्रो स्टेशन से बाहर आ चुके हैं और हम पहुंच गए हैं लोकेशन पे, जामा मस्जिद। राइट नाउ सो सुबह का व्यू देख सकते हो गाइस। तो फाइनली 2 घंटे हो चुके हैं, 8 बजने वाली है और जामा मस्जिद का रोड ये वाला है शायद। तो ये लोकेशन है फैसल भाई। हाँ भाई, ये रोड आगे ही है भाई, यहाँ से तो आगे मीना बाजार आ जाएगा। दुआ क्या बोलते ब्रो, क्या बोलते ब्रो, जितने थे नकली आई लेट देम गो। गुड मॉर्निंग दिल्ली। ओ माय गॉड, सो लोकेशन पे फाइनली आ चुके हैं और यह देसी जुगाड़ चल रहा है माशाल्लाह। सुबह सुबह मॉर्निंग जूस ना। सो हम कोई बाहर से तो आए नहीं, हम लोकल ही है, भले दिल्ली के नहीं तो क्या हुआ, लेकिन कोई बात नहीं है, हम अपने हिसाब से रूम लेंगे, चाय पियेंगे, जरूर पियेंगे, चाय के साथ मस्का भी होगा। वो है सो ये मीना बाजार फर्स्ट गेट और ये पीछे। सो मॉर्निंग व्यू देख सकते हो जामा मस्जिद, और यहाँ से हम चलते हैं आगे रूम लेने होटल पे। और ये पूरा मार्केट। सो चाचा सामने आ चुके हैं बोलने के लिए कि रूम ले लो, होटल दिला दूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। बन रहा है पूड़ी और नाश्ता, और यहाँ फैसल भाई चाय और खारी खाते हुए। कैसा लग रहा है दिल्ली का स्वाद? स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट फूड खाने के लिए यहाँ पर आओ भाई साहब। बना रहे हैं पूड़ी, दाल, सब्जी, रोटी, जो भी। क्या प्राइस है भैया? 30 रुपये प्राइस है। क्या बनाते हो आप? छोले भटूरे और पूरी सब्जी, कचौरी, प्लेन राइस, छोले चावल। पब्लिक जो भी अगर आना चाहता है, स्ट्रीट फूड 30 रुपये में पेट भर के खाओ। और लोकेशन है जामा मस्जिद रॉयल पैलेस के सामने।
रॉयल पैलेस। सो गाइस यहाँ पर हमने रूम लिया है, अब चलते हैं, पूरा होटल का अंदर का व्यू बताऊँ आपको क्या है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज है, क्या क्या फैसिलिटीज है, सब कुछ देखेगा आप थोड़ी देर में इस ब्लॉग में। सो चलते हैं, सीधा अंदर का व्यू बताते हैं। अब यहाँ रह के निकालने का है दिन तुम्हारा भाई। सो ये होटल लिए और चलते हैं, रूम भी देखेंगे। यहाँ से चलते हैं लिफ्ट में सेकंड फ्लोर। सो सेकंड फ्लोर में सामने ग्लास है, ग्लास में फिजल भाई क्या बोलते हैं, बहुत हार्ड। फाइनली रूम मिल चुका है बिल्कुल, और अब चलते हैं रूम की तरफ सेकंड फ्लोर पे। ये है लिफ्ट, चारों तरफ ग्लास ही ग्लास है, बहुत हार्ड वाले। सो ऊपर जाके रूम का भी लोकेशन बताएंगे, रूम कैसा है, और फिर उसका टेरिस पे भी जाएंगे, टेरिस पे वीडियो शूट करेंगे। राइट, बहुत कुछ करने वाले हैं, आए हैं तो मचा के ही जाएंगे, क्या बोलते हैं पब्लिक? बिल्कुल। सो ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल लोकेशन, क्या बोलते हैं, रूम 202 या कौन सा था, आई थिंक यही है। सो ये है हमारा रूम नंबर, खुल नहीं रहेगा, अब खुलेगा, लॉक हो गया अब तो शायद, हाँ खुल गया। सो गाइस ये है रूम, होटल रूम, और हमने इसका बिल पे किया है कितना, 3000 वन डे। सो ये व्यू है रूम का, और यहाँ सब कुछ टी कॉफी वाटर, और ये तुम्हारा भाई। अब करेंगे रेस्ट, फिर फ्रेश होंगे, फिर घूमने का प्लान भी करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। सो बाथरूम दिखाता हूँ मैं आपको, क्या बात है, ओनली ग्लास, बहुत हार्ड।